कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान गुरुवार को महानगर की सड़कों पर लोगों का आवागमन देखा गया। पुलिस ने जरूरतमंदों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सड़क पर निकलने की इजाजत दी है, लेकिन कुछ लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते सड़कों पर घूम रहे हैं। कर्फ्यू में अधिकतर दुकानें बंद हैं, किराना और दवाइयों की दुकान खुली है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी चौराहा, विश्वविद्यालय रोड, छात्र संघ चौराहा, अंबेडकर चौराहा तथा अन्य सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि महानगर में कुल 41 जगहों पर बैरियर लगाए गए हैं। प्रमुख चौराहों पर चेकिंग कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सभी सीओ, एसएचओ तथा सभी चौकी प्रभारियों को कर्फ्यू के पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बरगदवां, जगदीशपुर, होराबार, रामनगर, करजहां और नौसड़ में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। एसपी सिटी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह सड़कों पर ना निकलें और जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके ऊपर चालान कर कार्रवाई भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार और एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, महानगर में देखिए कुल 41 जगह पे बैरियर लगाए गए हैं। वो भी प्रमुख चौराहे हैं जैसे पैडलेगंज, महदीपुर, इसके अतिरिक्त कूड़ाघाट पे हो गया या फिर जटेपुर पे भी चेकिंग की जा रही है और सभी सीओ, सभी एसएचओ, सभी चौकी प्रभारियों को बाहर निकाला गया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन की भी वो लागू है आपकी स्कीम, जैसे बरगदवा में हो गया, जगदीशपुर हो गया या खोराबार में, रामनगर करजहाँ में, इन जगहों पर डाइवर्जन भी किया जा रहा है, नौसड़ में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से यही अपील की जा रही है कि वो सड़क पे बेवजह ना निकले। सर, जो बिना आवश्यक रूप से निकल रहे हैं,
जो लोग बिना मतलब के निकल रहे हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है, उनका चलान हो रहा है, गाड़ियों के सीजर भी की जा रही है। आसपास के काफी जिलों में लॉकडाउन खुल गया है, उन जिलों से भी गोरखपुर के अंदर आगमन हो रही है। लगातार पुलिस पब्लिक को समझा रही है, जो महामारी की पर्व में हम लोगों के एक दूसरे को मदद करते हुए अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहना है, बहुत ही अति आवश्यक कार्रवाई है, तो दवाई लेने के लिए या जो अन्य जो बहुत ही अति आवश्यक कार्रवाई तभी नहीं की।